कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे देश हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनको इस तरह की भाषा अमर्यादित नहीं बोलनी चाहिए। ये एक विशेष समुदाय के ऊपर ठेस है, उनको इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो मस्जिद सदियों से थी हमारी, है और रहेगी। वो भले मंदिर बना ले, लेकिन वो हमारे लिए मस्जिद रहेगी। इस तरह का विवाद उत्पन्न करने का ये एक नया रास्ता निकाला जा रहा है। तो फिर बात सीधी हो जाती है, अभी उसमें थोड़ा समय है, इसलिए कि जब पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाए और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए तो फिर आप आस्था की बुनियाद पर जिसको जो कह दो वो हो जाए। नहीं, जब उस ऑलरेडी केस चल ही रहा है ना, और हमने तो पहले ही से एक साबित कर दिया है बाबरी मस्जिद के मुतालिक, जो भी कोर्ट का फैसला है हमने तो मान लिया था। वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद मामला निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आता है कि ज्ञानवापी को मस्जिद न कह के मंदिर कहेंगे तो विवाद नहीं होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये मुख्य कही कि अगर मुस्लिम समाज इतिहास में की हुई भूल को सुधारने का प्रस्ताव लाएगा तो ये काफ़ी बेहतर होगा। इस बात पर मुस्लिम समाज के लोग क्या कहते हैं, मुस्लिम समाज क्या मानता है, क्या सोचता है, ये बात जानने के लिए हम इस समय वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र के जीटी रोड नवापुरा इलाके में हैं। हमारे साथ शुरू करेंगे एक वरिष्ठ पत्रकार अतीक अंसारी जी हैं, इनसे कि सबसे पहली बात, आप इस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे भी आपकी पहचान है, तो किस तरह देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? इस समय इस तरह का बयान आ रहा है और एक शासक के तौर पर बयान आ रहा है जबकि अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। देखिए, इस बयान को सीधे सीधे पहले तो हम एक राजनीतिक बयान के रूप में देखते हैं। जहाँ तक उस विवाद की बात है तो मैंने लगभग एक डेढ़ दर्जन चैनल्स पर बहस में ये बात रखी थी, जो मेरा व्यू पॉइंट है कि अगर कोई विवाद होता है तो उसके हल के दो तीन रास्ते होते हैं। तो मैंने हिंदू पक्ष की तरफ ये सवाल उछाला था कि किस तरह से इस मसले को हल करना चाहते हो, आस्था की बुनियाद पे, इतिहास की बुनियाद पे, या कोर्ट के आदेश के आधार पे? अगर आस्था की बुनियाद पे आप हल करना चाहते हो तो फिर बात सीधी हो जाती है, अभी उसमें थोड़ा समय है, इसलिए कि जब पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाए और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए तो फिर आप आस्था की बुनियाद पर जिसको जो कह दो वो हो जाए। अगर आप इतिहास के आधार मानते हो तो इतिहास को अगर आप आधार बनाते हो तो उसमें फिर ये भी तय करना होगा कि कहाँ तक का इतिहास, क्या केवल औरंगज़ेब तक का इतिहास, केवल औरंगज़ेब तक का इतिहास, या उसके पीछे भी आप जाओगे? तो अगर इतिहास की कब्रें खोद के भविष्य का रास्ता, विकास का रास्ता अगर तलाश रहे हैं तो ये बहुत समझदारी नहीं है, देश के हित में नहीं है। इसलिए कि इतिहास की जब कब्रें खोदी जाएंगी तो एक समय सीमा तय करनी होगी कि कहाँ तक का इतिहास देखना है, और फिर उसमें ना जाने क्या क्या निकलेगा, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो सबसे बेहतर जो मेरा अपना व्यू पॉइंट था, मेरा अपना निजी विचार, कि दोनों पक्ष को कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मामला जब कोर्ट में विचाराधीन है तो ये मुख्यमंत्री जी का बयान, मानी योगी जी का, मुझे थोड़ा सा अप्रासंगिक इररेलीवेंट लगता है कि जब कोर्ट, आप लेट द कोर्ट से लेट द कोर्ट डिसाइड कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है, ये कहना छोड़ दें और वो करना छोड़ दें, तो ये बहुत, ये एक तरीके से पूरी तरह से राजनीतिक बयान है। और मामला फ़िलहाल कोर्ट में है। मुसलमानों को मैं यही मशवरा दूंगा, मानना ना मानना सबका अपना अपना हक है, कि कोर्ट जो फैसला करे उसको मान लो, और पीछे उसकी नज़ीर मौजूद है, बाबरी मस्जिद में माना है, बावजूद इसके कि फैसला सही नहीं था, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि हाँ वहाँ पे मंदिर था। 50 साल चले मुकदमे के 1000 पन्ने के फैसले में कहीं ये साबित नहीं हो पाया कि वो मंदिर था, लेकिन चूंकि मुसलमानों का कमिटमेंट था कि कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे सो मान के दिखाया। तो मुख्यमंत्री जी को उस तरफ मोड़ देना चाहिए कि भाई देखो कोर्ट में गया है मामला, दोनों पक्ष शांत रहें और जो कोर्ट का फैसला आवे उसको शांति से मान लें। ये अतीक अंसारी जी का कहना था, और लेकिन हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं। राम मंदिर से थोड़ा मामला ये जुदा है, क्योंकि इसमें जैसा कि सीएम ने खुद कहा है और जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के दौरान चिन्ह मिले हैं, चाहे वो डमरू की बात कही जा रही है, पश्चिमी दीवार की बात कही जा रही है, त्रिशूल के चिन्ह की बात कही जा रही है, तो इन्हीं सब साक्षियों को आज उन्होंने गिनाया और ये बात कही, तो क्या इत्तेफाक रखता है मुस्लिम समाज, आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे देश हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनको इस तरह की भाषा अमर्यादित नहीं बोलनी चाहिए। ये एक विशेष समुदाय के ऊपर ठेस है, उनको इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो मस्जिद सदियों से थी हमारी, है और रहेगी। वो भले मंदिर बना ले, लेकिन वो हमारे लिए मस्जिद रहेगी।
इस तरह का विवाद उत्पन्न करने का ये एक नया रास्ता निकाला जा रहा है। उन्होंने एक चीज़ और भी सुझाव दिया है कि जो इतिहास में की हुई गलतियां हैं या भूल हैं, आप लोग भले उसको भूल ना कहें, लेकिन अगर इसको इतिहास में की हुई चीज़ों को, अगर पुरानी बातों को भुला दिया जाए और एक नए शुरुआत की जाए, इस तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। ये तो इतिहास बदलने का तो काम ये कर रहे हैं ना, इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं ये लोग। इतिहास को अगर आप सही ढंग से पन्ना देखें ना, जो इतिहास है उसको इतिहास को रहने दीजिए, उसके बाद जितनी लड़ाई है लड़ते रहिए। तो इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, इतिहास कैसे बदल जाएगा? कोर्ट पे आपको भरोसा है जो फैसला आएगा मानेंगे? कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमने जो हमारा हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष देखे होंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था ट्रायल अयोध्या का, यही हुआ था। सारे मुस्लिम पक्ष कह रहे थे कि कोर्ट का मान जो भी होगा उसको हम लोग मानेंगे, और हमने मान के दिखाया जो भी हुआ, जबकि फैसला नहीं हुआ है। ये तो केवल जो है तो आस्था के बल पे हुआ है, किसी भी एक पेज में आप नहीं दिखा सकते। 4,500 पन्ने का रीट जो दाखिल हुआ था उसके अंदर एक जगह भी कहीं नहीं आप दिखा सकते कि इसमें कहीं मंदिर साबित हुआ है। तो फिलहाल उनके सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता है। मैं एक मुस्लिम होने के नाते मैं उनसे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। क्या लग रहा है, अपने नाम बताए? मेरा नाम शमसुल आरफीन है। क्या लग रहा है इस मौके पे, इस माहौल में जो बयान इस तरह का दिया गया है, वो किस चीज़ से प्रेरित है? क्या इसमें कोई सच्चाई है कि राजनीतिक बातें हैं या किसी एक पक्ष को खुश करने की कोशिश हो रही है? अपने नाम पहले नासिर जमाल। और जब कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसमें किसी को भी बयान देने की ज़रूरत नहीं है, एक बात बस। हमारे साथ और भी यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, शाम का वक्त हो चला है और बैठे हैं लोग, आपस में बातचीत हो रही है। क्या मान रहे हैं जो इस तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि इतिहास में की हुई भूल को सुधारने का मौका है, मुस्लिम समाज इस पे प्रस्ताव खुद लाए और पहल करें? अपना नाम पहले बताइए। गुलाम रसूल। क्या कहेंगे रसूल साहब? मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब एक चीज़ कोर्ट में ऑलरेडी चल ही रही है तो फिर ये इसको अनर्गल एक तरीके से स्टेटमेंट, राजनीतिक स्टेटमेंट किसी एक वर्ग को खुश करने का, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है किसको मान लिया जाए। और ये यही एक हल है, सिर्फ मुस्लिम पक्ष को नाराज करके है, यही एक हल है, मतलब सौहार्द बनाने का। मुखिया हैं तो पूरे प्रदेश के, पूरी जनता के मुखिया हैं, मुखिया तो हैं। आपका ये कहना है किसी एक वर्ग को खुश नहीं? नहीं, जब ऑलरेडी केस चल ही रहा है ना, और हमने तो पहले ही से एक साबित कर दिया है बाबरी मस्जिद के मुतालिक कि जो भी कोर्ट का फैसला है हमने तो मान लिया था, जितनी भी हमारी और भी जो संस्थाएं थी सबों ने, तो उसी तरीके से ये भी चल रहा है, जो कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम मान्य करेंगे। अब इनका अपना नज़रिया, किस नज़रिए से सीएम साहब ने कहा, अब ये तो मेरे समझ से परे है। समझ से परे। हमारे साथ और भी यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि एक लंबा वक्त आपने देखा होगा, चाहे अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे अब ये ज्ञानवापी का मुद्दा हो, आगे तमाम मुद्दे हैं, मथुरा का मुद्दा है, क्या लग रहा है इस समय इस तरह का बयान योगी आदित्यनाथ का आता है? नाम बताएं। जो हमारा नाम बदरुद्दीन अंसारी है। जो बयान मोदी जी ने कहा है उसको हम नहीं मान रहे, सीधी बात। हमारी मस्जिद है, हमारा घर, वो मस्जिद रहेगा, हमेशा मस्जिद रहेगा, हम उसको कोई दूसरा चीज़ नहीं दे सकते। कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि उसमें चिन्ह हैं जो हिंदू धर्म से जो ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे चिन्ह हैं, संकेत हैं, तो इस बात को क्यों नहीं मुस्लिम समाज मान रहा है और इतिहास में जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने का क्यों नहीं पहल कर रहा है? अरे भाई, सवाल इस बात का है कि उसको क्यों हम माने, जब हमारा है धर्म का चीज़, सब चीज़ पहले क्या था क्या नहीं था, उसको आज मस्जिद है ना, उसमें हम मस्जिद मानते हैं, हम क्या जाने क्या है क्या नहीं है, उसके कहने से क्या, वो कहेंगे तो हम मान लेंगे? हम नहीं मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह घर है, मस्जिद है, हम उसको मस्जिद मानते हैं, कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेंगे। तो वाराणसी के इस जैतपुरा के जीटी रोड दोषीपुरा इलाके में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनको कोर्ट के निर्णय पर पूरा भरोसा है, न कि सीएम योगी आदित्यनाथ के तरफ से दिए गए इस बयान पर। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी।